गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसके अंदर क्या है बेटा कि आपको दो इक्वेशन दी होंगी टू वेरिएबल में, मतलब एक्स और वाई में, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन लेंगे, एक्स को लिखेंगे वाई की फॉर्म में, मतलब एक्स लेफ्ट हैंड साइड बाकी सब राइट हैंड साइड। तो एक्स क्या हो गया 6 माइनस वाई। अब इस 6 माइनस वाई को हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, मतलब इसमें एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे 6 माइनस वाई, यहाँ मान लो 2y, एक्स माइनस वाई माइनस का 2y इक्वल टू 2, क्योंकि एक्स की वैल्यू 6 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 2, और 6 माइनस वाई माइनस 2y कितना हो गया माइनस का 3y इक्वल टू 2। कॉन्स्टेंट एक साइड और y की टर्म एक साइड, तो 2 माइनस 6 माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y की वैल्यू आ गई 4/3। y की वैल्यू पुट करेंगे हम किसी भी इक्वेशन में, जैसे x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, वाई की हमने 4/3 निकाली है, तो x की क्या आ जाएगी LCM लेके 18 माइनस 4/3, तो 14/3 एक्स की क्या आ गई 14/3, वाई की क्या आ गई 4/3। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड।